हाय फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 11.4 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। शो दैट कॉसेक टीटा माइनस कॉट टीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टीटा बाय 1 प्लस कॉस टीटा। सो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल है। कॉसेक टीटा माइनस कॉट स्क्वायर टीटा को मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, स्प्लिट करूंगा फ्रेंड्स। तो क्या मैं कॉसेक टीटा को मैं 1 बाय साइन टीटा लिख सकता हूं फ्रेंड्स, ओके। और कॉट टीटा को क्या लिख सकता हूं फ्रेंड्स, 1 बाय टैन टीटा लिख सकता हूं, 1 बाय टैन टीटा लिख सकता हूं फ्रेंड। तो मैं इसको दोनों को भी यहां पर लिखूंगा। तो 1 बाय कॉसेक टीटा को साइन टीटा लिखा और माइनस का माइनस 1 बाय टैन स्क्वायर होल स्क्वायर। बट यहाँ देखिए फ्रेंड्स, टैन थीटा है तो क्या मैं इसको साइन बाय कॉस लिख सकता हूँ। तो 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाता फ्रेंड। तो मैं कॉस थीटा को ऊपर लिख दूंगा तो मैं डायरेक्टली एक स्टेप नहीं लिख कर मैं डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ फ्रेंड। साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता तो कॉस थीटा ऊपर चल जाता, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एलसीएम साइन थीटा है तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा लिख लूँगा, और नीचे एलसीएम साइन थीटा है तो साइन थीटा होल स्क्वायर, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ओके। सो अभी आप क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे स्क्वायर्स को दोनों में। तो 1 स्क्वायर तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर का स्क्वायर है, और नीचे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा, ओके, साइन स्क्वायर थीटा। बट अपने को पता है फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये किसकी मदद से आया फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रहता, विच इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करें, जस्ट साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो कॉस स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो इसके लिए अपन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया फ्रेंड्स, ओके। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप क्या करें, जस्ट कॉस स्क्वायर को इधर भेज दिया तो आपको साइन स्क्वायर थीटा निकल गया, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं अभी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा फ्रेंड्स। तो आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बोल के लिख दो फ्रेंड्स, बट साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा फ्रेंड्स, मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 स्क्वायर बोले तो भी आप 1 ही चाहेंगे और 1 बोले तो भी 1 ही चाहेंगे। तो मैं क्या इसको इस फॉर्म पे लिख सकता हूँ फ्रेंड, ताकि अपन को कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए। और 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बोल के बोल रहा है फ्रेंड। तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस कॉस थीटा को तो 1 माइनस कॉस थीटा ही लिखूंगा, बट यहाँ पर 1 को मैं 1 स्क्वायर लिखूंगा ताकि आपका आंसर कुछ चेंज ही ना हो। तो 1 स्क्वायर लिखूंगा तो भी कुछ चेंज होगा, तो और ये कॉस स्क्वायर थीटा का। बट अभी देखिए फ्रेंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर हो गया। तो अपने को पता है, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आपको इसके इक्वल क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया फ्रेंड। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पर आ गया अभी। तो अभी अपन क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर लिखूंगा, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो मैं नीचे क्या करूँगा, ए प्लस बी क्या है, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा है और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो मैं इसको और इसको कैंसिल कर दूंगा फ्रेंड्स। तो अपने को बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाई नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। और अपने को पूछ रहा क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछ रहा क्या है, क्या सॉल्व करने के लिए पूछ रहा है, देखिए कॉसेक टीटा माइनस कॉट टीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। सो मैं लिख दूंगा क्वेश्चन, अपन क्या कर रहे थे, क्वेश्चन क्या लिए थे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके बाद में अपन क्या करेंगे, कॉसेक टीटा, दैट इज क्वेश्चन, कॉसेक टीटा माइनस कॉट टीटा होल स्क्वायर, इसको लेकर अपन क्या सॉल्व करे थे, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। सो अपने को यही क्वेश्चन में पूछ रहा है ना फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, तो अपन सॉल्व किया, दैट इज वाई हेंस प्रूव्ड,
ओके सो हैंस ब्रो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। सो प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फ्रेंड। अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू।